मातृभक्ति और पितृभक्ति ये सभी भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान श्री राम ने मातृभक्ति और पितृभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, श्री रामचरितमानस में, और बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। एक बार प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान ने मातृभक्ति का पालन तो किया, लेकिन पितृभक्ति का, पितृभक्ति क्या है? पिता की आज्ञा का पालन करना ही पितृभक्ति है। लेकिन पिताजी ने क्या स्पष्ट रूप से प्रभु श्री राम से ये कहा कि आप अयोध्या छोड़ जाइए? वो तो यही कहते रहे, राम तुम चले गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ये बड़ी सुंदर बात है, इसको बहुत मनोयोग से श्रवण करना। प्रभु श्री राम से क्या स्पष्ट रूप से पिताश्री ने ये कहा था कि आप अयोध्या छोड़ जाइए? वो तो यही कह रहे हैं केकई से कि राम मेरा आदर्श पुत्र है, मैं उसको देखता रहूं, मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे, राम को मेरी आंखों से ओझल मत करना। मैं सत्य कहता हूं कहूं सुहा न चल मन माही, जीवन मोर राम बिना। मैं छल पूर्वक नहीं कह रहा हूं, यथार्थ कह रहा हूं, मेरे स्वभाव में छल नहीं है, कपट नहीं है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि राम के बिना नहीं रह सकता। इससे लगता है कि पितृभक्ति के अंतर्गत श्री राम जी को अपने पिता के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि पिता के प्राणों की रक्षा प्रभु श्री राम करते हैं तो पितृभक्ति पूर्ण होगी। लेकिन मातृभक्ति क्या कहती है? मां कहती है, होत प्रात मुनि वेश धर जो राम बन जाए तो मोर मरण राउर यजस नृप समझिए मनुमान। यदि सूर्य की किरण निकलते ही, बल्कि की पवी फटते ही, सूर्य की किरण निकलना नहीं चाहिए, होत प्रात, सूर्य की किरण नहीं निकलना चाहिए, इसके पहले श्री राम को अयोध्या छोड़ देनी चाहिए। यदि श्री राम अयोध्या नहीं छोड़ेंगे तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज मेरी मृत्यु सुनिश्चित। अब बताइए, राम जी के सामने मात्र पितृ भक्ति के मध्य धर्म संकट आ गया कि नहीं आ गया? ये बड़ी अटपटी बात, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कलम का कमाल देखिए आप, गजब का, क्या बढ़िया समाधान। भगवान राम कैसे मातृ पितृ भक्ति का पालन करते हैं? ऐसा तो नहीं कि पिता की अवज्ञा हो रही हो। रामायण को तो जितना आप पढ़ेंगे और जितना आप प्रयोग में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा।
क्योंकि ये रामायण जो रामचरितमानस के रूप में प्रतिष्ठापित है, ये पुस्तक नहीं है बल्कि ये विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए एक मस्तक है, इसलिए इसे प्रयोग में लाना चाहिए। रामायण को रोज पढ़ो, मैं कहता हूं कि अर्थ वाली रामायण पढ़ो, तभी समाधान होगा। चौपाई नहीं समझ में आ रही है तो उसके नीचे जो अर्थ लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब। अब देखो मैं अर्थ कर रहा हूं, और सही बात है, अगर तुम लोग सब अर्थ समझ जाओगे तो हमारी क्या जरूरत है फिर, क्यों हमको क्यों बुलाओगे। अर्थ मिलेगा ही नहीं, है ना। और जब तक हम अर्थ नहीं करेंगे तब तक हमको अर्थ नहीं मिलेगा, है ना। हम लोगों का भी अर्थ जो है इसी के अर्थ से। तो आए आपको एक बहुत अच्छा समाधान दे रहे हैं, इतना बढ़िया समाधान, मातृभक्ति और पितृभक्ति। इसी में गुरु प्रसन्न है, इसी में परमात्मा प्रसन्न है, यही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। केकई जी ने कहा, होत प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाई, तुम मोर मरण राउर यजस नृप समझिय मन माई। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं बच नहीं सकता हूं। दशरथ जी कहते राम चले गए, केकई कहती है कि मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी अगर राम नहीं गए। अब बताइए, पति कहता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, जब राम जी अयोध्या छोड़ के चले जाएंगे। पत्नी कहती है कि राम जी यही अयोध्या में रहे तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित। अब पति पत्नी में दोनों की मृत्यु एक की तो होनी है। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी में अगर यह समस्या है कि दोनों में से किसी एक का मरना सुनिश्चित है, तो शास्त्र के मत से, अच्छा शास्त्र मत, संत मत, लोक मत, सारे मत ले लो, इन दोनों में पहले किसका मरना ठीक है, सारे मत ले लीजिए आप। तुम भगवान के मंदिर में जाती हो, भगवान से क्या मांगती हो, हमारी मांग का सिंदूर सुरक्षित रहे, हे प्रभु मुझे पहले ले लेना लेकिन मेरे सुहाग को मत लेना। अच्छा कोई पत्नी ऐसी बैठी हो तो मुझे बता दे जो भगवान से ये कहती हो कि मुझे मत लेना चाहे दुनिया को ले ले। अरे दुनिया की छोड़ो, लेकिन पति के लिए तो वो जरूर कहती होगी भगवान से कि मेरा सुहाग अमर रहे, मुझे पहले लेना। तो दो काम बन रहे थे एक साथ, पुत्र को राज्य सुख मिल रहा था और पति को प्राण सुख और राज्य सुख दोनों मिल रहा था, मिल रहा था कि नहीं। केकई जी अगर ये कहती कि नहीं नहीं मैं जा रही हूं क्योंकि मेरा जाना उचित है इसलिए मैं पहले जा रही हूं। अच्छा एक बात और है कि अगर एक ही पत्नी हो तो उस पर विचार किया, जब तीन तीन हैं तो एक आध चली जाए तो दो तो रहेंगे, कौन दिक्कत की बात, ये भी विचारणीय बात है, सोचो जरा। लेकिन क्या विधि का विधान, भगवान राम के सामने चुनौती और धर्म संकट, मातृभक्ति और पितृभक्ति, किसकी आज्ञा का पालन करें, यदि इन दोनों में किसी एक की अवज्ञा हो गई तो धर्म चला गया। केकई जी अपनी जिद पर अड़ी हैं कि राम को तो अयोध्या छोड़नी ही पड़ेगी,
दशरथ जी कहते हैं मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूं। कहूं सुहावन छल मन माही, ओ जीवन मोर राम बिन नाही। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। केकई जी ने कहा तो ठीक है, अगर राम के बिना आप नहीं रह सकते हैं तो फिर कंफर्म हो गया, मैं इंतजाम कर रही हूं अपना। एक बात आपको बताएं, इनकी एक धमकी जो है पूरे शासन के, पूरे भारत के संविधान को बदल रही है। केवल एक ही धमकी, अगर हमारी बात नहीं मानी तो फिर मैं जा रही हूं। बस दो ही जाने के स्थान है, या तो मायके चली जाऊंगी या बैकुंठ। क्यों भाई? अरे बैकुंठ और मायका ये दोनों छोड़ो, अगर तुमने अपने पातिव्रत धर्म का पालन कर लिया और माय